राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने जो ऑक्सीजन फैमिली है उस ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट है उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देख ली थी। आज अपन देखते हैं हेलोजनों के साथ रिएक्टिविटी। तो हेलोजनों के प्रति क्रियाशीलता अपन यहां देखते हैं, ठीक है भाई। हेलोजनों के प्रति क्रियाशीलता, तो देखो ये जो एलिमेंट है इन एलिमेंटों की आप रिएक्शन करवाने हैं हेलोजनों के साथ, तो यहां बन जाएगा क्या, हैलाइड। क्या बन जाएगा भाई, हैलाइड बन जाएगा। ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट इस हेलोजन के साथ क्रिया करके क्या बना देगा बताओ, हैलाइड बनाएगा। अब वो हैलाइड कौन कौन से बनेंगे वो ध्यान दें आप, कि जैसे ये एलिमेंट है इस एलिमेंट की रिएक्शन किससे साथ करवा रहे हैं आप, एक्स टू के साथ। तो आपको यहां पर जो हैलाइड मिलेंगे वो हैलाइड कौन कौन से मिलेंगे वो ध्यान दें। पहला मिलेगा आपको एम एक्स, दूसरा मिलेगा आपको MX2, तीसरा मिलेगा आपको MX4 और चौथा मिलेगा आपको MX6। चार हैलाइड आपको मिलेंगे। MX को MX ने लिख करके मैं M2 X2 लिखूंगा भाई, ये E है तो यहां E कर दें, E ठीक है, E कर दें यहां। तो ये तो बन जाएगा कौन सा, ex, ex2, ex4, ex6। तो इसको ex भी लिखा जा सकता है और आप इसको e2 x2 भी लिख दें, ठीक है। क्यों लिखेंगे आगे बात करेंगे अभी। ये ex होता है मोनोहैलाइड, ये ex2 है डाइहैलाइड, ये है टेट्राहैलाइड और ये है हेक्साहैलाइड, ठीक है। तो आपके पास चार प्रकार के हैलाइड हैं भाई। चार प्रकार के हैलाइड कौन कौन से हैं, मोनोहैलाइड है, डाइहैलाइड है, टेट्राहैलाइड है और हेक्साहैलाइड है। अब इन चार हैलाइडों की अपन एक एक बात करते हैं कि मोनोहैलाइड कौन सा होगा, डाइहैलाइड कैसा होता है, टेट्राहैलाइड कैसा होता है और हेक्साहैलाइड कैसा होता है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, देखो सबसे पहले ले रहा हूं मैं मोनोहैलाइड, ठीक है भाई। इस मोनोहैलाइड में आप ये ध्यान रखें कि ये जो मोनोहैलाइड है ये मोनोहैलाइड अपने डाइमर के रूप में रहते हैं, यानी दो जने आपस में जुड़ करके रहते हैं, यानी आप इसको SCl नहीं लिखेंगे, डाइमर बनाएगा, ये डाइमर बनाएगा तो किसके रूप में रहेगा, H2Cl2 के रूप में रहेगा, H2Br2 के रूप में रहेगा, ठीक है। तो ये अपने किसके रूप में रहते बताएं, ये अपना डाइमर बना के रहते हैं, पहली बात आ गई समझ में। दूसरी बात, ये जो H2Cl2 है इसमें इस X की OS अगर मैं निकालूं तो दो सल्फर है, दो सल्फर है तो क्या मानूंगा 2X, एक Cl पर -1 होता, दो Cl पर -2 बराबर 0, बताएं कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो H2Cl2 में भाई इस -2 को परली तरफ ले जाओगे, प्लस का 2 जाएगा ना, तो 2x बराबर +2 और x बराबर +1 आ जाएगी। तो H2Cl2 में इस सल्फर की OS आ जाएगी +1, ठीक है। मैं इसको सही ढंग से कर दूं भाई, तो 2x माइनस का 2 परली तरफ जाएगा, प्लस का 2 जाएगा, आपको निकालना x, तो प्लस का 2/2 बराबर 1, तो ये आ गई H2Cl2 में सल्फर की OS आ गई
प्लस एक। और अगर मान लो सपोज मैं आपसे कहूं कि HCl4 में निकालें आप, तो HCl4 में सल्फर की निकालनी है x मानो, 4Cl माइनस 4 बराबर 0, और पल्ली तरफ ले जाओ प्लस 4 आ जाएगी। ये OS में इसलिए बता रहा हूं कि ये जो H2Cl2 है, ये H2Cl2 इस प्रकार से चेंज होता है HCl4 प्लस सल्फर बनाता है, इस सल्फर में OS होती है 0। तो आप ध्यान दें, यह जो OS है वो OS एक तो हो गई प्लस एक से प्लस चार, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, और दूसरा इस प्लस एक से जीरो यहां क्या हो गई बताओ, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई। ठीक है भाई, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई। तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें OS बढ़ गई, एक ही एलिमेंट की OS बढ़ जाती है घट जाती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रोपोर्शनेशन। यानी कुल मिला के बात यह है कि ये जो H2Cl2 या फिर ये जो डाइमर हैं, ये डाइमर असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन सी अभिक्रिया भाई? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, असमानुपातन या विषमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो H2Cl2 है ये इस प्रकार से डाइमर के रूप में रहता है और असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है भाई। अगली बात अगर मान लीजिए आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो H2O2 जैसी होती है भाई। किसके जैसी है? H2O2 जैसी होती है। और H2O2 की जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है, ये सल्फर, ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। डाइहैलाइड, ठीक है भाई। देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये हिंदी इंग्लिश जो मीडियम वाले हैं वो कंफ्यूज मत हुआ करो, ये जो डाइहैलाइड है ना भाई, इसको अंग्रेजी में भी डाइहैलाइड ही लिखूंगा मैं। और अगर आप कहो कि साहब अंग्रेजी में लिख दिया, हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है भाई, डाइहैलाइड। आ रही बात समझ में? तो कंफ्यूज मत हुआ करें, परेशान मत हुआ करें कि साहब हम तो हिंदी मीडियम के, अंग्रेजी में लिख दिया मास्टर ने तो, ठीक है। तो यहां कोई ऐसी बात नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, हिंदी में बोल दो अंग्रेजी में बोल दो, ठीक है ना भाई। तो अपन पढ़ रहे हैं क्या, अब डाइहैलाइड पढ़ रहे हैं। तो डाइहैलाइड में दो डाइहैलाइड लिख रहा हूं, फिर मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको। मैं दो डाइहैलाइड लिख दिया मैंने, सपोज मैंने पहला डाइहैलाइड लिख दिया सीएल टू ओ, कौन सा सीएल टू ओ, और दूसरा लिख दिया मैंने ओ एफ टू। तो दो एलाइड लिखे मैंने, एक सीएल टू ओ लिखा, एक ओ एफ टू लिखा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वाले में मैंने ऑक्सीजन बाद में लिखा और इस वाले में ऑक्सीजन मैंने पहले लिख दिया, कंफ्यूजेबल चीज है, ठीक है। लेकिन यहां किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो ध्यान रखना। अगर आप ईएन की बात करते हैं, ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 होती है, फ्लोरीन की 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.0 होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कम ईएन वाला पहले लिखा जाता है, ज्यादा ईएन वाला बाद में लिखा जाता है। तो क्लोरीन की कितनी है? 3.0, 3.0, इसकी कितनी है? 3.5। यहां बात करें तो इसमें कम ईएन वाला पहले लिखा जाता है, ज्यादा ईएन वाला बाद में लिखा जाता है। इसकी बात करें तो यहां पर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की कितनी होती है भाई? 3.5। और फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की 4.0 होती है। तो ध्यान रखना, हमेशा कम ईएन वाला पहले लिखा जाता है, ज्यादा ईएन वाला बाद में लिखा जाता है, कम ईएन वाला पहले, ज्यादा ईएन वाला बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार से मैंने यहां, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, कैसे भी लिख देंगे, तो ध्यान रखना कम ईएन वाला पहले, ज्यादा वाला बाद में,
कम वाला पहले, ज्यादा वाला बाद में, तो आप इसको एफ टू ओ नहीं लिखेंगे। क्लियर, ये बात समझ आ गई कि मैंने ओ को पहले लिखा बाद में लिखा, ये वाली कंडीशन है ना। तो ये जो आपके पास डाई हैलाइड है, इन डाई हैलाइडों की स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों में ही ऑक्सीजन है, तो आपको ओ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ओ का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ऑक्सीजन जो फैमिली है उस ऑक्सीजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन होता है H2P4। ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि VBT कहती है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बंद बनाएगा। इसके साथ दो F जुड़ रहे हैं या दो Cl जुड़ रहे हैं, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए जो हैं, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे किसकी स्ट्रक्चर, Cl2O की स्ट्रक्चर, दो Cl जोड़ देंगे आप इसके साथ। ये लो भाई, आपने दो Cl जोड़ दिए। ठीक है, अब आप इसका देखेंगे तो इसका जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है, वो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया बताएं? इसका संकरण या इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आया है भाई कौन सा, एक S और तीन P, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आया है। क्लियर, तो इसका ये हाइब्रिडाइजेशन या संकरण आ गया कौन सा, sp3। दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, तो ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास दो तो हैं लोन पेयर और दो हैं बॉन्ड पेयर, तो आप इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे कोणीय या एंगुलर। ये लो, तो ये स्ट्रक्चर हो गई किनकी, डाई हैलाइडों की। ये हो गया आपके पास डाई हैलाइड, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, ये तो पानी की हो गई। पर अगर मान लो एच ने जोड़ करके आप एफ जोड़ दें, किसकी हो जाएगी, ओ एफ टू की हो जाएगी। और अगर आप एफ ने जोड़ करके यहां सीएल जोड़ दें तो ये किसकी हो जाएगी, सीएल टू हो जाएगी। यानी तीनों की जो स्ट्रक्चर है, किस किस की बता दी मैंने, एच टू ओ की बता दी, सीएल टू ओ की बता दी और ओ एफ टू की बता, तीनों की स्ट्रक्चर बता दी मैंने। दो एच जोड़ दिए थे, दो सीएल जोड़ दिए, दो एफ जोड़ दिए, तीनों की स्ट्रक्चर कौन ये एंगुलर या वी शेप। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास डाई हैलाइड भाई। इन डाई हैलाइडों के बाद अब अपन लेते हैं टेट्रा हैलाइड। ठीक है भाई, तो टेट्रा हैलाइड अपन ले रहे हैं। मैं एक सेकंड ये देख लूं कैमरा चालू है या नहीं भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं पढ़ाता रहता हूं कैमरा हो जाता बंद, क्योंकि फोन बहुत पुराने जमाने का है। तो अब अपन बात कर रहे हैं टेट्रा हैलाइड की, तो टेट्रा हैलाइडों में देखो, अगर सपोज मैं SF4 की बात करूं, ठीक है, तो इस SF4 की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में पहले आप किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बताएं, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली का ही है S2P4, ये 3S है, ये 3P है। यहां नोट करना एक बात आप कि यहां पर 3D वैकेंट है, 3D वैकेंट है। यहां पर इस सल्फर के साथ चार F जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको यहां पर चार अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी दो हैं, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो आप क्या करेंगे, इस सल्फर की एक्साइटेड स्टेट लेके आएंगे, और एक्साइटेड स्टेट लाने के लिए आप इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां ले जाएंगे। ये दो एजिटिज रहेंगे, ये चल जाएगा, एक दो तीन और ये चार भाई। ठीक है,
ये इसकी क्या हो गई बताएं, एक्साइटेड स्टेट आ गई। उसके बाद आप संकरित अवस्था लिख दें किसकी, SF4 की, यानी कितने F जोड़ देंगे बताएं आप, चार F जोड़ देंगे। कितने F जोड़ देंगे, चार F, एक दो तीन चार, चार F जोड़ देंगे आप। और अब आप इन सब को एक बॉक्स में बंद कर देंगे, तो ध्यान देना एक एस तीन पी और एक डी काम आ रहा है। तो यहां पर आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है या जो संकरण है, वो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण आपके पास आ गया sp3d आ गया भाई, sp3d आ गया। और अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है ना भाई, तो देखो ये होती है स्ट्रक्चर, ये होती है ट्राइंगुलर बाइपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अब इस त्रिकोणीय द्विपिरामिड में देखो ये जो तीनों हैं, अलग अलग कलर से मैं शो कर देता हूं, ये तीनों के तीनों होती हैं 120 के एंगल पर, और ये ऊपर वाली और ये नीचे वाले दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं कितने पर, 90 डिग्री पर। क्लियर बात भाई, ये ऊपर वाले नीचे वाले ये कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, और ये जो तीनों बीच में है ये कहलाते हैं इक्वाटोरियल, ठीक है भाई। ऐसे तीन यहां पर हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार। अब यहां बात गौर करने वाली यह है कि एक लोन पेयर है, लोन पेयर कहां रखें, तो देखो लोन पेयर होता क्या है कि बहुत बड़ा होता है, डिफ्यूज होता है, फैला हुआ होता है, इस प्रकार से। इस ए के ऊपर अगर आप मान लीजिए लोन पेयर दर्शाएं तो लोन पेयर ऐसा होता है फैला हुआ, और अगर आप इस ए के बीच और इस बी के बीच बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर थोड़ा इस प्रकार का होता है, ठीक है ना भाई। तो ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर फैला हुआ होता है, बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, इस कारण से लोन पेयर को आप वहां रखो जहां मिनिमम रिपल्सन हो। तो मिनिमम रिपल्सन जब आएगा, जब आप इसको 120 पर रखेंगे, 90 पे नहीं, 90 पे तो क्या हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगी, और 120 पर आप रखेंगे दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो आप इस लोन पेयर को हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन पे रखना भाई, इन तीनों में से कहीं भी रख देना, दूरी ज्यादा हो जाएगी। एक्सियल पे रखोगे दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना लोन पेयर हमेशा ही इक्वाटोरियल पर जाएगा इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, ध्यान देना, ये तो आपका सल्फर, ये लोन पेयर, ये एफ, ये एफ, ये एफ और ये एफ, और इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं सीसा। कौन से बोलते हैं भाई, सीसा स्ट्रक्चर होती है SF4 की। एक लोन पेयर होता है, चार बॉन्ड पेयर होता है, तो sp3d होता है, तो ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिड, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड ना होकर के कैसी होती है, सीसा होती है भाई, क्योंकि एक लोन पेयर होता है इसमें। तो ये हो गई आपके पास स्ट्रक्चर किसकी बताएं, टेट्राहैलाइड की। तो टेट्राहैलाइडों की स्ट्रक्चर हो गई है। इन टेट्राहैलाइडों के बाद अब लेते अपन हेक्साहैलाइड, हेक्साहैलाइड, और हेक्साहैलाइडों में मैं ले रहा हूं SF6, ठीक है भाई। ध्यान रखना ये सारे के सारे जो हेक्साफ्लोराइड है, हेक्साफ्लोराइड, ये हेक्साहैलाइड है, लेकिन मेनली जो स्टेबल होता है वो हेक्साफ्लोराइड ही होता है भाई। तो हेक्सा जो फ्लोराइड है वो सभी हेक्साफ्लोराइड, ध्यान रखना, गैसीय नेचर के होते हैं। तो अपन यहां पढ़ेंगे हेक्साफ्लोराइड पढ़ेंगे, यानी फ्लोरीन ही हेक्साहैलाइड बनाता है, मतलब स्टेबल जो होता है वो हेक्साहैलाइड होते हैं।
तो मैंने सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, कितने एफ जुड़ रहे हैं, छः, छः अनपेड चाहिए आपको, तो ये जो एक बच रहा है इसको भी आप ले जाएं ऊपर, इसको भी ऊपर ले जाएं, ये लो, अब आपके पास अनपेड हो गए छः। तो आपको बनाना क्या है, एस एफ सिक्स बनाना है, कितने एफ जोड़ने हैं आपको, छः एफ जोड़ने, सही है, एक और जोड़ दो, यहां आ गया ना एक, ये आ गया, तो एक दो तीन चार पांच छ, एक ही और रहा, एक एफ आपने और जोड़ दिया भाई। अब इस बॉक्स को आप आगे तक बढ़ा दें, तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, देखो सल्फर के साथ कितने एफ जोड़ने हैं, छह, तो छह अनपेड चाहिए थे आपको, तो इन दोनों को आप एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो आपके पास एक दो तीन चार पांच छह अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक एस तीन पी दो डी। तो अब जो आपके पास संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन अब हो जाएगा कौन सा भाई, एस पी थ्री डी टू, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कौन सा हो जाएगा बताएं, एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है भाई, जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा एस पी थ्री डी टू, और एस पी थ्री डी टू होता है तो ये होती है ऑक्टाहेड्रल। ये होती है भाई, ये आपके पास सल्फर हो गया और ये आपके पास हो गया फ्लोरीन, एक दो तीन चार पांच और छ, और इसको बोलते हैं आप क्या, ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय, और यहां आप एंगल कोई सा भी चेक करेंगे तो वो होगा 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये हो गया आपके पास हेक्साहैलाइड। तो मैंने आपको यहां बता दिया मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, टेट्राहैलाइड और हेक्साहैलाइड, ठीक है भाई, ये हो गई ऑक्सीजन जो फैमिली है, उस ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो हेलोजनों के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हेलोजनों से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं, और वो हैलाइड आपके पास मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, टेट्राहैलाइड और हेक्साहैलाइड होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर बता दी है, ठीक है। कल अपन एक नए वीडियो लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।